सभी देखने वालों का हिमाचली हेल्दी किचन में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो आइए आज हम अपने हिमाचली हेल्दी किचन में बनाएंगे हिमाचली पकवान। हिमाचल की बहुत ही फेमस जो डिश है, यहाँ पे होली दिवाली हमेशा ये डिश बनती है। कोई गेस्ट आए तब भी बना लेते हैं। तो जिसका नाम है लुस्के, जो कि चावल के आटे से आज मैं बनाऊंगी। तो इसे लुस्के भी कहा जाता है, कई जगह पे इसे चिल्ले भी कहते हैं, चिल्टे भी कहा जाता है, बहुत अलग अलग नाम है। तो आप भी मुझे बताइएगा, जो जो नाम आप लोग भी जानते होंगे मुझे लिखिएगा आप कमेंट में कि आपके यहाँ इसे कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, आप लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा, चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। सबसे पहले तो सामान देखते हैं हम कि क्या क्या चाहिए हमें। ये है चावल का आटा, जितना भी आप बनाना चाहे उतना चावल का आटा आप ले लें। ये मैंने यहाँ पे एक चम्मच का चौथाई हिस्सा भी मैंने यहाँ पे खाने वाला सोडा या मीठा सोडा भी जिसे कहते हैं वो लिया है। ये हो गया पानी, बस इन्हीं चीज़ों से हम इसे बनाएंगे। तो चलिए अब इसे बना लेते हैं। इस टाइप का कोई हम बोल ले लेंगे, जो हमने आटा लिया है वो इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम पानी डालते जाएंगे, बहुत सा पानी एक साथ नहीं डालना है, इस चीज़ का आपने ध्यान देना है, क्योंकि बीच में गांठे बन सकती है, अच्छे से नहीं होगा आपके तवे। बस इतना इतना पानी डालते हुए इसको मिलाते जाएंगे हम। ये देखिए, बस ऐसे ही पानी डालती जाऊंगी मैं, इसका एक अच्छा सा घोल मैं बना लेती हूँ। ये देखिए, चावल काटे का मैंने घोल बना लिया जैसा हमें चाहिए होगा, ये देखिए आप देख पाओगे। तो अब हमने घोल बना लिया, अब इसे हमने 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा के ढक देना है। तो 10 मिनट हो गए, अब आटे को देख लेते हैं। ये देखिए, अब अच्छे से सॉफ्ट भी हो गया है, पहले से हल्का सा फूल भी गया है आटा। अब इसमें हम डाल देंगे बेकिंग सोडा जो हमने लिया था ना। तो ये देखिए, ये मैंने अच्छे से मिला लिया। चलिए अब इसे पका लेते, एक आम से लोहे के तवे पे आज हम बनाएंगे हिमाचली पकवान को। तो आइए पकाते हैं इसे। अब लोहे के तवे को मैंने गैस पे लगा दिया है, गैस मैंने चला दी है, देख सकते हो आपकी बिल्कुल आम तवा है, आप लोगों के पास सभी के पास होगा। अब मैंने इस टाइप का ना बना लिया, एक हिमाचल में ऐसा ही हम लोग बना देते हैं, कोई भी कोई मोटा सा अपने क्लोथ देख के ना, साफ होना चाहिए बिल्कुल नया क्लोथ, बस उसको ऐसे धागे से गोल गोल घुमाते हो, धागे से बांध दिया है मैंने इसको ना। अब इसमें हम हल्का सा तेल लगा के इस पे लगाएंगे। मैंने आटे का डोसा सिखाया था, आप देख सकते हो जाके चैनल पे, उसमें मैंने सिखाया था कि किस टाइप से नॉन स्टिक आपने लोहे के तवे को बनाना हो ना, आप मजे से बना लोगे अपने किसी भी तवे को नॉन स्टिक, आपके कोई चीज चिपकेगी नहीं। मैं लिंक भी दे दूंगी, वहां से भी देख सकते हो आप। पकाना हमने लुस्के को या चिल्ले को हमने बिल्कुल धीमी आंच पे है, हिमाचली लैंग्वेज की मीठी आंच पे ही बनाना है हमने, बिल्कुल आप लो पे ले जाइएगा, यहाँ से लो टू मीडियम ही। अब हम लेते जाएंगे यहाँ से, जितना बड़ा आपने बनाना हो उस हिसाब से ऐसे घुमा देंगे, बस ऐसे ही कुछ इस टाइप से इसे हमने घुमा दिया, बिल्कुल लो है आंच, बिल्कुल मैंने मीडियम से साइज का इसको बनाया है। तो ये देखिए, हल्का सा यहाँ से उठने लग गया ना, तो बस जैसे ही ये होगा हम इसको पलट देंगे। देखिए अब सभी जगह से देखिए खुद ही उठ गया है, ये देखिए जो हमने तेल लगाया होगा ना, बस अब इसको हम पलट देंगे। वाह, देखिए कितने अच्छे से हमने सिंपल से तवे पे बना दिया ना। तो बना सकते हैं ना आप सभी, लेकिन जब भी आप इसे बनाए ना तो मुझे कमेंट में लिखना ना भूले कि आपको कितनी हेल्पफुल लगी ये वीडियो, कैसी लगती है यहाँ की बनाई हुई वीडियो, या आपके किस किस नाम से जानते हैं इसे, लुस्के चिल्ले एक दो नाम तो मैंने बताया ना, आप भी मुझे बताना, बनाने का स्टाइल भी आप मुझे बताइएगा। तो बस हल्का सा हम निचली साइड से भी इसे पकने देते हैं अभी। ये देखिए, अब हल्का सा सेक इसको इस साइड से भी लग गया, इसे अब मैं यहाँ से उठा लेती हूँ ऐसे ही।
आगे भी हम ये ले लेंगे ना, इसमें पहले का ही जो तेल लगा है ना वही काफ़ी हो जाएगा। ये देखिए नीचे लगा देंगे हम इसमें, बस वैसे ही जैसे हमने पहले जितना भी साइज का बनाना है आप ले लीजिए, हल्के हाथों से इसे घुमा लीजिए जितने भी साइज का बनाना चाहिए। देखिए इजीली बन जाता है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं इसे ढकूंगी नहीं क्योंकि मैंने बहुत पतला इसे बनाया है, ये ऐसे ही पक जाएगा। आप चाहे तो इसे ढक के भी बना सकते हो, बस ऐसे ही इसे कुछ सेकंड या एक मिनट का टाइम बस लगेगा। वैसे ही जब ये साइडों से उठेगा ना जैसे पहले वाला था, बस तब हम इसे पलटेंगे। पलटने के बाद तो हमने इसे आधा मिनट ही पकाना होता है। निचली साइड से के भी साइडों से बिल्कुल उठ गया है, यानी कि ये चिपका नहीं है बिल्कुल। ये देखिए आसानी से बिल्कुल नॉन स्टिक के जैसा अब इसे भी हम पलट के बना लेंगे। देखिए देखने से ही लगता कितने अच्छे से हमने इसे सेक लिया है, कितना हेल्दी ये बनते हैं। हिमाचली जितने भी पकवान है ना बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं यहाँ के लोग। मुझे तो ऐसा ही लगता है, मैं हिमाचल से हूँ लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग बहुत मतलब कम चीज़ों में भी बहुत अच्छी चीज़ बना देते हैं। जब भी कोई फेस्टिवल हो तब बना देते हैं, कोई गेस्ट आए तब बना देते हैं। ये देखिए इजीली बन गया, बहुत हेल्दी चीज़ है क्योंकि हमने कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं डाली है जो हार्मफुल हो। मैदा भी नहीं है, चावल का आटा है। आप वो वाली वीडियो भी देखना चाहते हो जो मैंने आटे से लुस्के बनाए थे तो वो भी अब मैं लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आप यूट्यूब पे जाके हिमाचली हेल्थी किचन के लुस्के लिख दीजिएगा। वो बहुत पसंद किया था आप लोगों ने उसे ना, तो आप सब देखिएगा। तो इसे भी मैं उठा दूंगी, बस ऐसे ही वही लगाना है इसमें। इसमें है हल्का सा तेल, बस बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने पहले बनाए वैसे ही हम लेते जाएंगे। घोल अपना हल्का सा घुमाते जाएंगे, देखिए ऐसे, बस वैसे ही उसे कुछ सेकंड या एक मिनट पकने देंगे। उसके बाद मैं इसे पलट के बना दूंगी। देखिए ये वाला भी सीख गया है, देखिए आसानी से उठ जाएगा बेबी। ये कितने अच्छे से पक गया बहुत कम तेल में। तो बस इसे भी नीचे से बस आधा ही मिनट हम निचली साइड से इसे सीखने देंगे, उसके बाद इसे भी मैं उठा लूँगी। इसे भी आधा मिनट हो गया निचली साइड से बनते हुए, इसे मैं उठा दूँगी। ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ कितने अच्छे से ये बने, देखिए। तो बस ऐसे ही आगे भी हल्का सा इसमें अब तेल लगा देंगे ऐसे इसके साथ, लेते जाएंगे हल्का सा फैला देंगे। तो हाथ से बिल्कुल मुलायम हाथ चलाना है इस पर। ये देखिए ये वाला भी बन गया, इसे भी मैं पलट देती हूँ, देखिए कितना अच्छा बना है ये भी। तो बस ऐसे ही मैं जितने भी ये घोल बनाया है इनके सभी के मैं बिल्कुल ऐसे ही लुस्के बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने हिमाचली थाली को सजा दिया है, बिल्कुल हिमाचल में ऐसे ही इसे दिया जाता है खाने को, मीठे के साथ ही खाया जाता है इन्हें। घी शक्कर मैंने लिया है इसके साथ, बहुत टेस्टी लगते हैं सच मानिए आप, जब आप बनाए तो ऐसे ही खाए इसे बहुत स्वादिष्ट ये लगते हैं। तो आप चाहे तो आप नाश्ते में इसे सूखे आलू या सब्जी के साथ भी इसे खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगेगी वैसे भी। एक नई चीज़, एक नया नाश्ता या टी टाइम या लंच कभी भी आप इसे बना सकते हो, जल्द झटपट बन जाने वाला है जैसे आपने देखा। तो जब भूख लगे तो ये बनाए हिमाचली पकवान, लेकिन जब भी आप बनाए ना प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मुझे इस डिश के आप नाम भी दीजिएगा जो जो इसे जानते होंगे कि क्या इसे कहते हैं, कैसे आपके बनाया जाता है, वो भी आप मुझे बताइएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब मिलेंगे एक नए डिश के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।